हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्जाम। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कमिटीज़ एंड कमीशन ऑफ एजुकेशन। इसका हम पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं ये, ठीक है। आज हम दो कमिटीज़ के बारे में देखेंगे, उनके क्या उनके क्वेश्चन जो है वो किस तरह से एग्ज़ाम में जो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को करना शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे आचार्य रामामूर्ति रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलते हैं हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आचार्य रामामूर्ति कमेटी इज़। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आचार्य रामामूर्ति कमेटी का, तो इसको क्या किया है, किस लिए बना था ये। तो ये बना था जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, उसको रिव्यू करने के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन ऑफ द मेजर कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाई रामामूर्ति कमेटी टू अचीव इक्विटी इन एजुकेशन इज़। अब एजुकेशन में इक्वालिटी के लिए रामामूर्ति कमेटी ने किसके लिए कंसर्न दिखाया, तो वो दिखाया कि डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, कि सबका जो है वो कॉमन स्कूल सिस्टम हो, ठीक है। अब नवोदय स्कूल जो था वो कौन सी कमेटी के बाद जो है वो बनाए गए थे, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ज़रूर, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ सारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आचार्य रामामूर्ति कमेटी वॉज क्रिटिकली ऑन नवोदय स्कूल ऑन द ग्राउंड। मुझे लगता है आपको इसी में आपका आंसर जो है मिल जाएगा। इसमें क्या बोलता है कि जो आचार्य रामामूर्ति कमेटी है उन्होंने क्या किया था, नवोदय स्कूल के लिए एक ग्राउंड तैयार किया गया था, तो वो क्या था हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, इन इक्वालिटी इन नर्चरिंग टैलेंट इन अ फ्यू स्कूल्स। अब देखो, जो हमारे नवोदय स्कूल थे वो हमारे जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड मतलब जिनका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई होता है, उनको लिए जो टैलेंटेड बच्चे थे उनके लिए जो स्टार्ट करे गए थे हमारे नवोदय स्कूल, ताकि कुछ ऐसे थे कि कुछ पेरेंट्स जो बच्चों को, उनके बच्चे तो गिफ्टेड चाइल्ड हैं लेकिन वो उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलवा पाते थे, इसलिए हमारे ये हमारे नवोदय स्कूल का फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कमिटी विच लेड एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग डिग्निटी ऑफ लेबर एंड वैल्यू टू द सोसाइटी। अब कौन सी कमेटी थी जिन्होंने इन सब पे जोर दिया था, तो इसमें बोला था क्या था हमारा जो हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामामूर्ति कमेटी, इन्होंने ही क्या बोला था कि कैरेक्टर बिल्डिंग और डिग्निटी ऑफ लेबर और वैल्यू टू सोसाइटी, इन सब पे इन्होंने थोड़ा जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आचार्य रामामूर्ति कमेटी इज़ फेमस फॉर, जो हमारी आचार्य रामामूर्ति कमेटी थी इन्होंने किसके लिए ये फेमस थी, तो फेमस थी हमारी क्रिएशन ऑफ एन एलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन अप्रोच ऑफ आचार्य रामामूर्ति कमेटी। अब इसमें क्या था कि सबसे ज़्यादा इनकी अप्रोच क्या थी, इन दोनों का आंसर जो है सेम आएगा कि क्रिएशन ऑफ एलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अभी आगे हमारा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। अब शायद पता नहीं कौन सा वो था, इससे पिछले वाली वीडियो थी कि क्या था, जहाँ पे MML की फुल फॉर्म जो था वो बुक के अकॉर्डिंग आंसर क्या बताई थी, मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है। इनमें अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के बारे में, ठीक है। जो पहले था उसको करेक्ट कर लेना अगर मैंने वहाँ पर गलत बताया वो आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नीड टू ले डाउन MLL emerges from the basic concern about। अब MML को स्थापित करने का बेसिक कंसर्न क्या था, तो क्या कंसर्न था हमारा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड सेक्स ऑफ लोकेशन ऑल चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एजुकेशन ऑफ कंपेरेबल क्वालिटी। मतलब सबको जो है वो, मतलब जो हमारे रिलीजन कास्ट सेक्स के उनके बिहाफ उनको छोड़कर सबको जो है वो इक्वल जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेन फोकस ऑफ द MLL अप्रोचेज इज। अब MML का मेन क्या था, इनका फोकस क्या था, तो इसमें क्या था, इक्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटीज इन लर्निंग, जो पहले से चली आ रही जो लर्निंग में जो बाधाएं हैं उनको दूर करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एफर्ट ऑफ MLL अप्रोचेज इज। अब MML का अप्रोच क्या थी, तो क्या थी, टू कंबाइन क्वालिटी कंसर्न विद कंसर्न फॉर
इक्विटी कीपिंग इन व्यू द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, ये था इसका मेन इसकी अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा नया नया होगा, ये ज़्यादा इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाला, विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट विच स्पेसिफाई ML। अब इसमें चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, तो कौन सी हमारी इसमें, एक तो है कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ लेवल एज ऑब्जर्वेबल समरेटिव बिहेवियर, ये भी हमारा ये इनकरेक्ट है। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स एज ऑब्जर्वेबल समरेटिव बिहेवियर, सी ऑप्शन हमारा क्या है इसमें, सी ऑप्शन बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स एज ऑब्जर्वेबल टर्मिनल बिहेवियर, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है इसमें 75 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MLL कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ, अब MML को किस टर्म में हम स्टेट कर सकते हैं, तो क्या था हमारा इसमें, लर्निंग कॉम्पिटेंसीज एक्सपेक्टेड टू बी मास्टर्ड बाई द चाइल्ड बाई द एंड ऑफ ईच क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, MLLs कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ, अब MLL को किसके टर्म में हम इसको स्टेट कर सकते हैं, नेक्स्ट इसमें आएगा हमारा एंट्री लेवल कॉम्पिटेंसीज मास्टर बाई चाइल्ड इन ईच क्लास। ठीक है, इसको देख लेना इनको एक बार नज़र से, मतलब नज़र के नीचे से गुजार लेना इनको, ठीक है, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में तो देखें तो मतलब था इसमें कि कुछ ऐसा बोला था कि इसने कि हर एंट्री लेवल और इसमें जो एग्जिट लेवल है उसमें क्या था, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी मास्टर करती बच्चों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू बेसिक कंसिडरेशन कैप्ट इन व्यू वाइल फॉर्मुलेटिंग द MLR, अब दो बेसिक कंसिडरेशन क्या थी जब MLR को फॉर्मुलेट करा गया, तो क्या थी हमारी, कॉग्निटिव एंड एम्पेरिकल रियलिटी इन टर्म्स ऑफ इनेबलिंग एनवायरनमेंट। अब कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब क्या हुआ, अब चलो अब अभी आपको उतना नहीं है, जब आप बी एड करोगे तो कॉग्निटिव कॉग्निटिव दिखेगा हर जगह। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, कुछ आई होप आपने वीडियो एंड तक जरूर देखी होगी स्क्रीनशॉट लिए बिना। ठीक है, मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बस आते हैं स्क्रीनशॉट लेते हैं चले जाते हैं, सर कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा सिर्फ ये है कि मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँ जो मेरे पास अवेलेबल है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।